हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत स्पेशल डे है और मेरे लिए भी स्पेशल डे है कि इस बैच के सभी विद्यार्थी जी अपने जीवन का सबसे बेस्ट कॉपी लिखने आज जा रहे हैं। आपने अपने जीवन में जितने भी आज तक बच्चों कॉपियाँ लिखी होंगी, आज आपको उनमें से अपना बेस्ट देना है। और प्यारे बच्चों, मैंने अपना 100% दिया, जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने पूरा दम लगाया, और आप लोगों ने भी पूरी क्लास को शिद्दत से देखी है। बोर्ड परीक्षा का पेपर 100% अच्छा जाएगा, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना मेरे बच्चे। पहली चीज़ है ये कि आप जब भी कॉपी लिखें तो कॉपी लिखते समय सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ने में समय दें, क्योंकि 15 मिनट टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो प्रॉपर आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले, ऐसा नहीं कि आप कठिन सवाल को बनाने में लग जाएं और आसान सवाल छूट जाएं। और ऑब्जेक्टिव को भी बच्चों पहले टिक लगा लें कि कौन कौन से 50 बनाने हैं, और कभी भी कठिन प्रश्नों में बिल्कुल नहीं उलझने हैं। और 50 नंबर तो आपको गोला भरना है, इसलिए गोला अच्छे से भरें, ब्लैक या ब्लू दोनों में से किसी एक पेन से ही गोला भरा जाता है, दोनों पेन का यूज़ ना करें, ठीक है? गोला बाहर नहीं होना चाहिए, गोले अच्छे से भरा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बी नंबर ऑप्शन हम सही लगाते हैं पर गोला हम सी भर देते हैं, ठीक है? ऐसे में हमें आ रहा एक नंबर कट जाता है। तो अगर बी को हमने लगाए तो अच्छे से बी को देख के ही लगाना, ठीक है ना, कहीं सी ना रंग जाए, ये गलती नहीं करना। और दूसरी बात मेरे बच्चे, कि पेपर को लिखते समय एकदम है ना, वो जो अंडरलाइन मैंने बताया था, अंडरलाइन ज़रूर करना पेपर में, वो भी अच्छे से करना, ठीक है? और नहीं भी करते हो तो ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, फिर भी अगर वो कर देगा तो और अच्छा होगा। और कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, ठीक है? कोई प्रश्न अगर लगे कि नहीं भाई ये नहीं हो पा रहा है तो उसको मिला जुला के लिख देना, छोड़ना नहीं है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने माता पिता का आशीर्वाद तो ले ही लिया है, और नहीं लिया तो ज़रूर आशीर्वाद लेके जाना, मम्मी पापा का, बड़े भैया दीदी सबका, आपस आस पास में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद, आपके ऑफलाइन के शिक्षक महोदय होंगे उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना बच्चों, क्योंकि उनका आपको बनाने में बहुत योगदान है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप मुझसे आशीर्वाद चाहते हैं, सब लोग कॉल करते हैं ऑफिस में, गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर गुरु के आशीर्वाद देने से कुछ होता है तो आपका ये गुरु आपको दोनों हाथों से पूरे दिल से आशीर्वाद देता है कि आप सफल हों। बच्चों, आप सफल होंगे तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत खुश हो जाएंगे। पहले आपके मामी, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो बहुत खुश होगी आप सफल होंगे तो, क्योंकि वो चाहती है अपने बच्चे को सफल देखना। अपने आसपास में जब लोग कहते हैं तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया है, तो उसे बहुत संतुष्टि मिलती होगी बच्चों, है ना? तो पहले आपके मम्मी जी हैं, दूसरे आपके पापा, पापा जो आपके लिए बच्चों बचपन से क्या नहीं किए बताइए, आप उनके आपके लिए सब कुछ किए उन्होंने। तो दूसरा आपके पापा हैं जो बहुत खुश होंगे आप जब सफल होंगे, तो पापा कभी जताते नहीं हैं पर अंदर से गर्व महसूस करते हैं, जब आप नहीं रहते हैं तो 4 लोगों के बीच कहते हैं कि मेरा बेटे ने तो कमाल कर दिखाया, ठीक है? पापा हैं, और तीसरा आपके गुरु जी, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होता है बच्चों जब किसी बच्चे का अंक अच्छा आता है, बच्चा 100% नंबर लेके आता है, अच्छे से लिख कर आता है, चाहे बच्चों किसी भी प्रकार के गुरु हों, जब उनके से सफल होते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा जब आप सफल होंगे। तो आप आज अपना बच्चों बेस्ट देना, ठीक है? अपने जीवन का बेस्ट देना, और कॉपी बहुत अच्छे से लिखना। और बच्चों आप याद रखना परीक्षा हॉल में भी कि एक व्यक्ति है जो आपका बाहर इंतज़ार कर रहा है ये सुनने के लिए तुम्हारा पेपर कैसा गया, तो वहाँ से आके ज़रूर बताना। और शाम को बच्चों मैथ की क्लास है 6 बजे, तो क्लास में ज़रूर जुड़ना, ठीक है ना? और फिर बच्चों लास्ट में यही कहूँगा कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपना बेस्ट देना बच्चों, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, और पूरे दिल से आशीर्वाद है, अपना बेस्ट देकर आना, ठीक है? लव यू बच्चों, बाय।